क्यों शीशे में दिखाई देनी बंद हो गई। भगवान जगन्नाथ के चेहरे की परछाई आज भी जगन्नाथपुरी में जब पंडित जगन्नाथ जी को भोग लगाते हैं और जब उनकी हथेली में जल रखते हैं तब उनकी परछाई उसे पानी में साफ दिखाई देती है। तब माना जाता है कि प्रभु ने भोग स्वीकार कर लिया है। लेकिन 1890 में जन्माष्टमी के दिन जब भोग के वक्त जगन्नाथ जी की परछाई नहीं दिखी तो सारा शहर अचंभित हो गया और पूरे शहर में हलचल हो गई। सभी अलग अलग तरह के पकवान लाने लगे पर उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो फिर पूरी के राजा को बुलाया गया। तब पूरी के राजा ने ठान लिया कि बिना इसका कारण जाने वह खाना नहीं छुएंगे। मंदिर में भूखे बैठे राजा को आंख लग गई तो सपने में जगन्नाथ जी आए। बोले, राजा में मंदिर में था ही नहीं, मैं एक निर्धन भक्त की कुटिया में उसके हाथों का बना भोग खाने को गया था। जब मैं यहाँ था ही नहीं तो मेरी परछाई कैसे दिखती। इसके बाद जब पंडितों ने दोबारा भोग चढ़ाया जगन्नाथ